इधर रीवा के सिमरिया में चाकूबाजी की घटना में बहुत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा भी धरने पर बैठ गए और सिमरिया थाना प्रभारी और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम पर विधायक और मृतक के परिजन अड़े हुए हैं। समझाइश का दौर भी अभी जारी है, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। घटना के करीब 20 घंटे के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण है। रीवा के एसपी ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। दरअसल दो पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से दूसरे पक्ष के हौसले बुलंद थे। दूसरे पक्ष ने चाकू मारकर अजय नाम के शख्स की हत्या कर दी, जिससे परिजनों के साथ स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। से ये सरकार आई है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का राज रीवा में आया है, जमीनों का खेल और नशे का खेल पूरे रीवा जिला में फैला है। ये यहाँ का TI अवनीश पांडे चौराहटा चौराहटा सिमरिया सिमरिया से चौराहटा और चौराहटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे। जमीनों के खेल में ये शामिल, दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप और पूरे अपराधियों को का बॉस, अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है ये फोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। अगली खबर नर्मदापुरम से है, जहां सिवनी मालवा में युवती पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला शख्स और युवती दोनों के बीच में दोस्ती थी और वो लिव इन रिलेशनशिप में थे। 3 महीने से युवक युवती से नाराज थी। आरोप है कि गुस्से में युवक ने युवती को मारने की कोशिश भी की। फायरिंग करने के बाद से युवक फरार चल रहा था, वही अब पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 11 तारीख को शाम लगभग 7 बजे की बात है, एक युवती जिसका नाम प्रियांशी उर्फ दिव्या लोवंशी है, उससे मिलने उसके दो पूर्व परिचित जो उसके साथ इंदौर में पीतमपुर में काम करते थे कंपनी में, वो मिलने आए थे और इनको चूँकि ये पहले से जानते थे और बता रहे हैं कि लिविन में भी रहते थे, तो इनको इन दोनों के बीच में कोई बहस हुई है और बहस के ऊपर से एक आरोपी नमन रायगवा द्वारा कट्टे से उस युवती पे फायर किया गया, जो उसके बाएं हाथ पे लगा